हेलो फ्रेंड्स, आज से मार्गशीर्ष गुरुवार स्टार्ट हो गए हैं और चलो हम पूजा की तैयारी करते हैं। ये मैंने सुंदर सी रंगोली बनाई है और अभी अरेंजमेंट के लिए फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड 5 फलों की पत्तियां ली हुई हैं और चावल और कलश, ये सब एक छोटे से टेबल पर मैंने अरेंजमेंट कर दिया। देन मैंने पूजा स्टार्ट की हुई है और पूजा में इस तरह अरेंजमेंट कर दी करके फूल, चंदन, हल्दी, कुमकुम चढ़ाकर हर चीज़ को अच्छे से रख लिया है। यहाँ पे धूप, दीप और अगरबत्ती चढ़ा दी। तो चलो अब बनाते हैं डिनर। डिनर में मैंने चावल भिगोए हैं और सब्ज़ी में चना दाल और गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी। काफ़ी लोगों को गोभी पसंद नहीं आती, लेकिन इस तरीके से बनाएंगे तो ज़रूर पसंद आएगी। अब लोहे की कढ़ाई में मैंने प्याज भून लिया है और उसमें डाल दिया है 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 पूरा चम्मच मसाला। मसाला यानी लाल मिर्च पाउडर, और आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अब हम गोभी और टमाटो काट के रेडी करके रख देंगे। बाद में उसमें कढ़ाई में डाल देंगे और फिर नमक ऐड कर लेंगे। नमक से थोड़ा हल्का पानी आना स्टार्ट हो जाएगा और सब्ज़ी पकना स्टार्ट हो जाएगी। अब बनाते हैं ग्रीन मसाला, जिसमें लिया हुआ है भुना हुआ प्याज, थोड़ा सा नारियल, 1 मिर्च, 1 छोटा इलायची, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा जीरा, देन साबुत धनिया एंड देन 1 लौंग। अब इस पत्थर में मैं इसे कूट कूट के छोटा बारीक कर लूँगी। जनरली हम मिक्सी भी यूज़ कर लेते हैं, बट जब फंक्शन हो तभी, और घर में अगर बनाना हो तो हम ये ट्रेडिशनली ही इससे बारीक करा के और फिर यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी टेस्ट थोड़ी डिफरेंट ही आती है। तो बारीक होने के बाद ये ऐसा दिख जाएगा। अभी जैसे ही हमने सब्ज़ी को देखा तो वो ऑलमोस्ट पक गई है, 80% दाल पक गई है। उसमें कड़ी पत्ता ऐड कर लिया है और ये मसाला मैंने जो बारीक किया हुआ है उसे ऐड करके इसको और थोड़ा पकाएंगे। ऑलमोस्ट 4-5 मिनट्स इसे पकाएंगे एंड अपने हिसाब से ड्राई एंड थोड़ा सा अगर पतली सब्ज़ी चाहिए तो आप रख सकते हैं। एक साइड में मैंने कढ़ाई गरम करने के लिए रखा था, जिसमें अभी हम पापड़ फ्राई कर लेंगे और फिर चलेंगे हम भगवान की तरफ। अभी देखते हैं और हम भगवान की आरती उतारेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे और एक साइड में रेडी करके रखा हुआ डिनर प्लेट में सर्व करने के लिए लेके आएंगे। लास्ट में हम डिनर सर्व करेंगे भगवान को और फिर खुद व्रत छोड़ेंगे। दिस इज़ द फाइनल लुक। थैंक यू।